कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लौटेंगे अमित आपके पास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल रायबरेली का रास्ता तलाश रहे हैं। राहुल वायनाड से हारने वाले हैं और हार के डर से ही भाग रहे हैं राहुल गांधी। डरो नहीं, भागो नहीं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी के नाम का जिक्र नहीं किया, शहजादे कहकर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी एक कार्यक्रम को जब संबोधित किया था तब उन्होंने जिक्र किया था कि वायनाड का जब इलेक्शन हो जाएगा तो वो यूपी की तरफ भागेंगे। अब उसी बयान का यहां पर पीएम जिक्र कर रहे हैं और शहजादे के कर वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर क्या निशाना साधा है वो आपको सुनाते हैं। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। और इसी बीच यूपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी पर कड़ा निशाना साधा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ दुश्मनों के साथ में है, अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुश होगा। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल को रणछोड़दास कह दिया है। दोनों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ, यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। यूपी का माहौल मोदीमय हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय वो रायबरेली से जा रहे हैं तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो किसका क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि रायबरेली से भी राहुल गांधी को हार मिलेगी। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत डरो मत डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे
दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। देखिए क्या कहना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए, इस बार रायबरेली भी हारेंगे वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया संतलत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। उधर राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, तो वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि घबरा गए हैं राहुल गांधी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का। लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, बहुत कम समय मिल रहा है। देखो यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे, ठीक है। घर तो हिंदुस्तान में, एक हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। राहुल जी भैया आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा मान रहे हैं इसको? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश हुआ, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। 17 दिन बचे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया है, आज सुबह ही लिस्ट जारी की और साथ ही अब अमेठी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर केएल शर्मा चुनावी मैदान में है। ये आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे और वो कह रहे थे कि अमेठी की जनता मुझे एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हालांकि काफी लंबे समय से उनका जो कनेक्शन है वो रायबरेली और अमेठी की जनता से रहा है और 40 साल से वो लगातार लोगों के बीच में भी रहे, तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्हें जरूर मिलेगा और वो जरूर जीत दर्ज करेंगे। और चलिए एक बार फिर से रायबरेली का रुख करते हैं जहां से हमारे संवाददाता उमेश जुड़ गए हैं। उमेश बताइए क्या अपडेट है और कितना वक्त लगेगा जब राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करेंगे? जी हां, देखिए राहुल गांधी भूए मऊ गेस्ट हाउस से कांग्रेस कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। जो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई, जिस काफिले की तस्वीरें दिखाई वो राहुल गांधी के काफिले की हैं, जब भूए मऊ गेस्ट हाउस से वो कांग्रेस कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी आएंगे और फिर यहां पूजा पाठ भी करेंगे। ये कांग्रेस की परंपरा रही है इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक, जब भी कोई नामांकन करने यहां पहुंचता है तो सबसे पहले इसी कांग्रेस कार्यालय पर आकर पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद ही नामांकन करने के लिए जाते हैं। तो गांधी परिवार कुछ ही देर में यहां पहुंचेगा और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस के जवान लगा दिए गए हैं और लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। ये बैरिकेडिंग दिखाइए जरा दूर करके, लॉन्ग शॉट करके दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर बैरिकेड कर दिया गया है, बाकायदा गैलरी बना दी गई है और इसी गैलरी से होते हुए राहुल गांधी आएंगे और इसी कार्यालय के अंदर जाएंगे, अंदर आंगन में वो पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद ही वो रथ पर सवार होंगे और उसके बाद नामांकन करने के लिए निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ ही देर में राहुल गांधी और गांधी परिवार यहां पर पहुंचने वाला है, राहुल गांधी का नामांकन होने वाला है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कैमरा ऑफ करके लॉन्ग शॉट करके दिखाइए तस्वीरें कि कैसे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम यहां नजर आ रहा है,
सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त भी यहाँ पर किए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए और रायबरेली के राजनीतिक तापमान को महसूस कीजिए। यहाँ प्रमोद तिवारी भी आ चुके हैं, तमाम अन्य कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी आ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर राहुल गांधी पूरे परिवार सहित यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद वो सीधे रवाना होंगे नामांकन कराने के लिए। यहाँ पर एक कमरा भी ऐसा है जिसमें पुरानी तस्वीरें सजो कर रखी गई हैं, उस समय की तस्वीरें जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पूजा पाठ की थी, जब हवन किया था उसके बाद वो नामांकन करने के लिए गई थी, और जब सोनिया गांधी जी ने नामांकन किया था तब की तस्वीरें भी यहाँ पर सजो कर रखी गई हैं, पूजा पाठ की तस्वीरें भी सजो कर रखी गई हैं। बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है, हलचल बड़ी है और कैमरा जरा आप करके दिखाइए कि किस तरह से क्या हलचल कितनी बड़ी है। निश्चित तौर पर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंचने वाले हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस कार्यालय का नजारा है। केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। गांधी परिवार किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है और क्या राहुल गांधी यहाँ जनता को तो इंतजार